तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो दिख रहा होगा। देखिए पहला लिखा हुआ है कि माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, ये माइक्रोमीटर है, ये वर्नियर कैलिपर है, वो टेपर स्केल है, मेजरिंग टेप है, ये फीलर गेज है। तो फ्रेंड्स आपको मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। और ये भी कुछ बोर्ड पड़े हैं, इधर भी बोर्ड पड़े हैं, लेकिन बट मैं आपको इस जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है उस वो बताऊँगा आपको कि बस मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है। पहले होता है जो कि वर्नियर होता है, आप यहाँ पे देखेंगे वर्नियर कैलिपर का पूरा डिटेल बताया गया हुआ है, इंटरनल जॉ लॉक स्क्रू मेन स्केल सब कुछ इसमें बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरा दिखाई देगा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बारे में पूरा बताया गया है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, माइक्रोमीटर के बारे में पूरा बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फीलर गेज के बारे में पूरा बताया गया है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है मेजरिंग टेप है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। उसके बाद ये देखेंगे आप यहाँ से ये टेपर स्केल के बारे में पूरा बताया है। अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइक्रोमीटर के बारे में बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको अगर कहीं पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है कि मतलब पूरा कैसे होता है, यूज़ किया जाता है, ये मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएँगे। वैसे आपको अगर मतलब हल्का फुल्का मोटी मोटा जानना है तो वहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। पर उसके बाद जो ये वर्नियर का ये लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर का ये लिखा हुआ है, उसके बाद जो ये टेपर स्केल का लिखा हुआ है, ये फीलर गेज का लिखा हुआ है, बट और ये मेजरिंग टेप का लिखा हुआ है। अगर आपको अलग से इसका चाहिए डिटेल, एक एक डिट चाहिए, जैसे माइक्रोमीटर हुआ, वर्नियर हुआ, टेपर स्केल हुआ, फीलर गेज हुआ, अगर आपको एक एक चाहिए तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी बता रहा हूँ सारे का, बट आपको अगर एक एक चाहिए तो मैं एक एक भी बताऊँगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। वैसे मैं एक एक का भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वर्नियर का भी बता चुका है मैंने, माइक्रोमीटर भी बता चुका है। अगर आपको देखना है इसके बारे में पूरा वीडियो जानना है तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मेजरिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल पर ऐसे टेक्निकल चीज़ अच्छे लगे तो जरूर से जरूर इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के धन्यवाद। वैसे फ्रेंड्स बता दें इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि मेजरिंग से रिलेटेड है, टू रूम से रिलेटेड है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको हम बताएंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो क्रेन के बारे में बताया गया है, मेरे पास क्रेन का ही है, जो अगर आप कंपनी में कहीं काम करोगे तो क्रेन के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे आपको क्रेन के बारे में पूरा बताया गया है, जो आपको नहीं पता है बट अब मैं आपको बताऊँगा क्रेन के बारे में क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे गियर बॉक्स लिखा हुआ है, क्रॉस ट्रेवल सब कुछ लिखा हुआ है, बट अगर आपको जानना है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।